हेलो, कल जो मैंने पोल वाला पोस्ट डाला था उसमें मोस्टली लोगों ने बोला कि जीवन कल्चर का इसमें सैंडविच बोर्ड वो बनाओ, वो शेयर करो सारी। तो लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप फ्रूट से रिलेटेड डालो, प्लीज फ्रूट से रिलेटेड डालो। तो हियर इट इज, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये रेसिपी, एकदम नई, बहुत ट्रेंडिंग चल रही है ये। इसका नाम है नेचर सीरियल। बोले तो जैसे हम दूध के साथ नॉर्मली कॉर्नफ्लेक्स और चोको और ये सब चीज़ें खाते हैं ना, वैसे आज हम फ्रूट साथ करेंगे। वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, ये हैवी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर मैंने लिया फ्रूट्स, ये जो नॉर्मली हमें मार्केट में अवेलेबल, देखो ये चीज़ बाहर की चल रही है पर मैं आपको थोड़ा अपने हिसाब से बताएंगे जो हम नॉर्मली हमें फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं इसलिए, जैसे कि मैंगो या फिर, और ये बताऊंगी कि इसमें से किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। मैंगो, फिर लिया बनाना, ठीक है, उसको भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए। फिर उसके बाद लिए ग्रेप्स। मतलब आपका फेवरेट फ्रूट वैसे है कौन सा, कौन करिए बताओ मुझे, इसमें से क्या क्या पसंद है मैं आपको बताऊंगी। फिर मैंने लिए ग्रेप्स, यहाँ पर मेरे पास वो जो ग्रीन कलर वाले थे वो लिए, एक ब्लैक वाले कहते हैं वो नहीं पड़े थे मेरे पास। फिर उसके बाद अनार, तो इसको भी छिलना बहुत बड़ा टास्क है, आई नो, बट कोई बात नहीं, मतलब चीज़ बढ़िया ही है। फिर उसके बाद और कुछ बचा है, स्ट्रॉबेरीज। तो ये सारे फ्रूट्स थे जो हमको मिल जाते हैं, ये सब चीज़ें हम इस सीरियल में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो एक फ्रूट लो, दो लो, तीन लो, चार लो, पाँच लो, सब लो, आपकी मर्जी है। और फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, जैसे कहने वाला। फिर बात लो नारियल पानी, जो कि हमें मिल जाता है इसलिए, कुछ कुछ पैकेज पैकेट वाले डब्बे में मिलता है कभी, और ये भी मिलता है हमारे घर तो यही आता है। फिर मैंने उसको छिलके इसको डाल दिया है। ये लग रहा होगा आपको कि यार ये खाने में कैसा होगा, पर ये बहुत ही टेस्टी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। जिसको बहुत स्वीट की क्रेविंग हो रही है ना और उसको चीनी वीनी ये सब चीज़ें नहीं खानी, मतलब मीठी चॉकलेट केक जाके नहीं खानी, भाई तुम ये खा लो, तुम्हारी स्वीट की क्रेविंग हो जाएगी पूरी, और तुम खाओगे फ्रूट्स। बहुत स्वीट है ये और बहुत टेस्टी है और बहुत रिफ्रेशिंग है। आई थिंक इतनी तारीफ से आप समझ गए होगे कि अच्छा है। बस मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो मेरे को आपको बनाना बनता है। इसके अंदर ना बनाना का टेस्ट कोकोनट वाटर के साथ अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो फिर ना कोकोनट वाटर में बनाना का फ्लेवर आ रहा था, मतलब समझ रहे हो, तो वो इतना अच्छा लग रहा था। तो आप बनाना की जगह इसके अंदर इसमें से कोई भी फ्रूट ले सकते हो, बाकी और भी ऑप्शंस कुछ भी सोच सकते हो आप, आपकी मर्जी। और ना अगर जो ये रेसिपी ट्रेंडिंग चल रही है ना, इसके अंदर आइस भी डालते हैं लोग, पर मेरे फ्रूट्स ऑलरेडी ठंडे थे, बनाए इसमें डाले, आप आइस डाल लेना अगर नहीं हो तो। बस इतना ही, कैसा लगा आपको, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय। और जो लोग इंस्टा चलाते हैं इंस्टा पे फॉलो करो, लिंक में डिस्क्रिप्शन।